हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ भाई सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो भाई आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि भाई अब अपनी आईडी आ चुकी है नंबर 2 पे, ये जिसके लिए भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा था, इतना बीमारी भी लगा पड़ा था, इसीलिए भाई लगा पड़ा संडे वाले दिन, क्योंकि ऑर्डर एक भी नहीं मिस करना था मुझे। अगर मैं कोई ऑर्डर भाई मिस कर देता ना, एक दो ऑर्डर, तो फिर तो सारा सिस्टम खराब जाता, फिर अपनी आईडी नंबर 3 पे रहती। तो इसलिए मैं मेहनत कर रहा था इतनी। तो अभी मैंने एक ऑर्डर उठाया, क्योंकि काम भाई अभी बिल्कुल भी नहीं किया 2 दिन से। एक दिन में मैंने 9 ऑर्डर किए हैं, एक दिन मैंने आज 6 ऑर्डर किए थे, और ये फिर मैं अभी निकला हूँ। अभी ये मैंने पहला ऑर्डर लिया है। कितना बज रहा है? 2:23 पे अभी रात का टाइम है मेरे भाई। देखो ये हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे अभी ऑर्डर लेके आया हूँ मैं, और मैं अभी दिखाता हूँ इस पे भाई कितना बोनस मिलता है पर डिलीवरी। यहाँ से इसको हमने किया, अभी इसको हम अभी करते हैं ड्रॉप ऑफ। तो अभी सामने भी इसकी हम एक ले लेते हैं पहले यहाँ पिक्चर, और पिक्चर हमने इसकी ले ली। अब यहाँ से हम कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद में भी पता लग जाएगा कितना बोनस मिला है, और यहाँ से हम कर देते हैं इसको अभी ड्रॉप ऑफ, और अभी सारी डिटेल आपको आ जाएगी आपके सामने मेरे भाई। ये आया इस पे, और ये देखो ये अपना, ये रहा मेरे भाई स्कोरिंग बोनस, 4 रियाल अपने को बोनस मिला है इस डिलीवरी पे। 17 रियाल का ऑर्डर था, 17:30 का, 4 रियाल मुझे बोनस मिला है, और बाकी पे 2.5 रियाल, और ये 5 रियाल टिप था, ये 2.5 रियाल, 2.5 रियाल, 2.5 रियाल, 2.5 रियाल, और ये 4 रियाल का बोनस अब अपना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अपनी आईडी आ चुकी है अब नंबर 2 पे। तो ये चीज़ है मेरे भाई। बाकी और जो मैंने काम किया है, और अभी दिखाता हूँ, ये मैंने जो काम किया है, ये 6 ऑर्डर किए थे मैंने 2 तारीख को, और कितने, 9 ऑर्डर किए थे मैंने 1 तारीख को, और ये 3 तारीख है। अभी ये अपना पहला ऑर्डर है, ठीक है? देख रहे हो कितनी दूर लेके आया हूँ इधर लेके, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अभी ऑर्डर, अब इस पे देखते हैं कैसा आता है, 2 नंबर पे ऑर्डर अब सही आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये चीज़ है, और ये बोनस अपना अभी चेक करो भाई। अब ये पर डिलीवरी अपने को 4 रियाल मिलेगा, तो ये चीज़ है। और अभी चलते हैं मेरे भाई, देखते हैं अभी कुछ ऑर्डर आए। ये देखो अपना 2 नंबर पे आईडी आ चुकी है, और बाकी तो जो होगा फिर देखा जाता है। तो ये चीज़ है मेरे भाई, आईडी का ये मसला है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे ये फ़र्क होता है। तो देखते हैं मेरे भाई अभी काम कैसा निकलता है आज। अभी चेक कर सकते हैं भाई, ये अभी मैंने 2 ऑर्डर ले रखा है हंगर में, ठीक है? यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा है, 9326, ये वाला नंबर दिख रहा है, ठीक है? ये नंबर का जो ऑर्डर है, ये देखो 9, ये जो ऑर्डर है ना, ये इसका ऑर्डर नंबर ये है 662, ठीक है? और अभी देखो ये अभी इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये जो दूसरा आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे, अभी इस पर मैं क्लिक किया तो ये अभी दूसरा ऑर्डर आया, इसका नंबर है 672। ये आप चेक कर सकते हैं, ये मेरा दूसरा ऑर्डर का है, और ये पहला ऑर्डर का भी दिखाता हूँ। इसका ये है 662 और दूसरे का है 672। तो ये भाई अभी 2 ऑर्डर मैंने ले रखा है, अभी लेके फिर उसके बाद में अभी देखते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पे जाती है। दोनों की लोकेशन डिफरेंट होती है, क्योंकि ये जहेज़ में लोकेशन वहाँ जाती है जो 2 घर आसपास में होते हैं, लेकिन हंगर में ऐसा नहीं है। एक की लोकेशन कहीं और जाएगी, एक की लोकेशन कहीं और जाएगी। तभी दोनों ऑर्डर रेडी हो, फिर उसके बाद पिकअप करते हैं। अभी मैंने दोनों ऑर्डर भाई पिकअप कर लिया। अब लोकेशन इसमें जाहेज की तरह नहीं भाई कि आप कोई सी भी लोकेशन चालू कर लो, जिस मर्जी को उस पे लेके चले जाओ। इसमें अलग ही सिस्टम, इसके जब पिकअप करोगे तो एक लोकेशन आ जाएगी जिस पे आपको पहले पहुंचना है। अभी देखो ये ऑर्डर मैंने अभी उठाया है, दूसरा वाला पहले उठाया था, उसकी लोकेशन अभी नहीं आई, लेकिन इस वाले की लोकेशन पहले आ गई। पहले ये ऑर्डर भाई हमें चल के छोड़ना है, उसके बाद में वो ऑर्डर की लोकेशन जो है अपने आप आ जाएगी, यहाँ पे शो करने लगेगी, क्योंकि जहेज की तरह यहाँ पे नहीं दिखाता है दोनों ऑर्डर, यहाँ पे बस ऐसे ही सिस्टम आता है। तो चलते हैं मेरे भाई इसकी कस्टमर की लोकेशन पे लेके इसको, क्योंकि यहाँ पे कैश लेना है, 47 रियाल ऑलरेडी यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो चलते हैं भाई, देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर भी बस हंगर में एक कस्टमर ऐसे परेशान नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा तारीफ भाई कर दो ना तो फिर परेशान करने लगते हैं, इसलिए फटाफट लेके निकलते हैं यहाँ से। ये रहा ऑर्डर 672 भाई, इसको मैंने कस्टमर को दे दिया। अब यहाँ से हमने करना है ड्रॉप ऑफ, अभी करते ही ये देखो यहाँ पे है, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से ओके कर देते कंफर्म। अभी ये हमने किया और ये दूसरी लोकेशन आ गई, ठीक है भाई? ये अपने आप ही निकल के आ गई। अब यहाँ हमें लेके चलना है, तो यहाँ से पहले देखते हैं इसका कैश है, क्या सिस्टम है इसका। तो इसने ऑलरेडी उसका ऑनलाइन है पे कर रखा है, ये देखो पेड ऑनलाइन। तो लेके चलते हैं मेरे भाई यहाँ से, तुरंत निकलते हैं क्योंकि वो भी इंतज़ार कर रहा होगा। इसकी लोकेशन भाई देख लो कितने किलोमीटर कस्टमर के घर से, यहाँ से मैंने अभी ये ऑर्डर लिया है, और अभी ऑर्डर छोड़ने के बाद अभी 11-12 किलोमीटर, क्योंकि थोड़ा दूर मैं आ चुका हूँ ये, और ये 12-11 किलोमीटर भाई अभी भी ये 11 किलोमीटर यहाँ से, ये चेक करो भाई
अभी हमें चलना है, अभी 11 किलोमीटर है यहाँ से कस्टमर का। तो भाई जहेज में ऐसा नहीं होता, जहेज में सिर्फ 1-2 किलोमीटर का बहुत मुश्किल से फर्क होता है, ज्यादा 500 मीटर 1 किलोमीटर बहुत गिने चुने आ गए जिसमें 2-2.5 किलोमीटर फर्क हो। नहीं भाई 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हंगर में भाई देख लो इतना ही होता है, 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर का फर्क एक साथ में। दोनों ऑर्डर कस्टमर को दे दिए भाई, अभी चेक करो इनका सीन क्या है हंगर में। ये देखो ये जो ऑर्डर मैंने लिया था ये हायल वाला, ये 19 और 4 23 मतलब 4 रियाल इसका बोनस है, 19.24 रियाल इसका डिलीवरी वो था बेस, ठीक है। और अभी दूसरा डबल ऑर्डर किया था मैंने, और जो दूसरा उसमें 8 रियाल मिला है जो बेसिक इसका पेमेंट थी, उसमें 4 रियाल का बोनस। लेकिन अगर यही हंगर में छोड़ के अगर भाई जहेज में होता तो 19 रियाल या अगर 23 रियाल का होता तो चाहे एक ही घर का होता, लेकिन भाई दोनों में 23 23 रियाल मिलते हैं, ऐसा हंगर की तरह नहीं है। हंगर में बस थोड़ा यही सिस्टम अलग है, एक तो भेजता भी बहुत दूर है और ऊपर से इतना भाई रेट भी नहीं देता है, मेन चीज़ ये है डबल ऑर्डर में, तो ये चीज़ है। बाकी जहेज में डबल ऑर्डर लेके जाओ तो चाहे अगर 30 किलोमीटर का भी लेके गए, अगर 30 रियाल का दे रहा है तो दूसरा ऑर्डर भी अगर बगल घर का है या एक ही घर का है उस पर भी 30 देगा, लेकिन अगर हंगर में आप लेके जाओ 30 रियाल में अगर दूसरा ऑर्डर देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रियाल 12 रियाल 8 रियाल 15 रियाल ऐसे करके देगा। तो ये डिफरेंट है भाई हंगर और जहेज में। तो चलते हैं मेरे भाई, 3 ऑर्डर अभी किए हैं मैंने और उसके बाद में अभी देखते हैं का 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर और कितने ऑर्डर हो पाएंगे। तो ये रहा सीन, अभी तक मैंने 3 ऑर्डर किए हैं, 47 रियाल का हमने लिया है कैश, निकलते हैं अभी यहाँ से। मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है मेरे भाई और अभी चल रहे हैं भाई हम रूम पे, और ये है मेरे भाई जो हंगर का सारा सेटअप है ना, ऐसे ही चलता है भाई। अगर 3 नंबर से स्टार्ट होता है मेन जी, अगर आप 3 नंबर जब आप आओगे 3 नंबर पे तो वहां से मेरे भाई बोनस मिलना स्टार्ट होता है 2.5 रियाल का, और 3 के 2 पे 4 रियाल का, 1 पे भी ऐसे ही मिलता है मेरे भाई। तो इस लेवल पे रहोगे 3 2 1 2 3 पे तो इस पे ऑर्डर भी अच्छे आते हैं और भाई कमाई भी थोड़ा सही होती है, क्योंकि पास पास के ऑर्डर ना 15 15 रियाल 16 16 रियाल में दूर भी भेजता है, पास भी रहता है, ऐसी बात नहीं मेरे भाई। लेकिन काम करने में मजा भी आता है, जब बोनस स्टार्ट हो जाता है ना मेरे भाई तब काम करने में मजा भी आता है, क्योंकि ऑर्डर ना पास पास के भी मिलते हैं और भाई उनका प्राइस भी बहुत ज्यादा मिलता है। तो कुल मिला के भाई ये सेटअप है और बस ऐसे ही मेरे भाई। बाकी रात में काम करने का फायदा ये होता है, रात को एक चीज है कि ऑर्डर कम आते हैं लेकिन इतना ट्रैफिक नहीं होता, क्योंकि जितना भाई सुबह आजकल मान के चलो 5:30 बजे से मेरे भाई ना 7-8 बजे तक जो ट्रैफिक होता है उसमें भाई अगर एक आध ऑर्डर लेके कहीं फंस गए फिर तो सारी भाई ऐसी की तैसी हो जाती काम की, तो फिर तो सारा सिस्टम ही खराब हो जाता है। तो इससे बेहतर यही मेरे भाई कि अगर रात में काम करने का है मन तो रात को 5-6 बजे तक लास्ट काम करो, उसके बाद सीधा मेरे भाई आईडी को बंद करके अपनी लोकेशन पे रूम पे चले आओ। तो ये चीज होना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद क्योंकि भाई आजकल ना इधर ये अपना जो दायरी वाला रोड है भाई दोनों साइड से मैं बता रहा हूँ, या तो मलिक वहाद जाओगे उधर भी और ये दम्माम वाला जो रोड है दायरी वाला, 3-4 रोड ऐसे ना मेरे भाई कि सुबह के टाइम रियाद जाते हुए मतलब ये 2 नंबर के साइड जाते हुए ना इतना ट्रैफिक होता है मेरा भाई, इतना ट्रैफिक होता है दायरी वाले रोड पे। तो भाई मैं बता रहा हूँ आपको कि 32 नंबर से लेके मेरे भाई 28 27 29 नंबर तक भाई पूरा एकदम ट्रैफिक होता है, बहुत ही खतरनाक वाला होता है। तो ये चीज है मेरे भाई। तो अभी चलते हैं मेरे भाई रूम पे, हम भी चल रहे हैं और चल के थोड़ा अभी सोएंगे, उसके बाद शाम के टाइम इंशाल्लाह तसल्ली से उठ के फिर काम करेंगे। और बाकी वीडियो आप सबको कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताइएगा और जो कुछ भी है देखेंगे मेरे भाई। ओके बाय बाय।